हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंजेस इज नोन एज द जीन म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंजेस इज नोन एज द जीन म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंजेस इज नोन एज द जीन म्यूटेशन। टर्म इंट्रोड्यूस बाय द ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। वेरी गुड इवनिंग शालिनी, गुड इवनिंग सुदीप एंड अनीता। म्यूटेशन कैन बी टू ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। ये दो तरीके का हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैन बी रिप्लिकेशनल एरर और स्पॉन्टेनियस लेजन्स। रिप्लिकेशनल एरर्स में कैसे आ सकते हैं, वो आपका पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन आते हैं एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन और एडिशन आता है। नाउ अब ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन ये इसकी बात करें, सो देखिएगा ट्रांजिशन की बात करते हैं। इफ प्यूरीन, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे प्यूरीन टू प्यूरीन जा रहा है, सिंपली अगर बोला जाए कि प्यूरीन टू प्यूरीन कन्वर्ट हो रहा है, प्यूरीन टू प्यूरीन कन्वर्ट हो रहा है, या पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन कन्वर्ट हो रहा है, या पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। एंड व्हेन दिस प्यूरीन, देन प्यूरीन इज कन्वर्टेड इनटू द पिरिमिडीन और पिरिमिडीन इज कन्वर्टेड इनटू द प्यूरीन, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्जन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन बोला जाता है, ठीक है जी। सो ट्रांजिशन का मतलब है सिर्फ प्यूरीन टू प्यूरीन, और प्यूरीन पिरिमिडीन पता तो है ना, प्यूरीन पिरिमिडीन क्या होता है, प्यूरीन की बात करता हूँ, जिसको नहीं पता है अच्छी बात है। प्यूरीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्यूरीन होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन कौन से होते हैं जी, वो होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल, ये आपके पिरिमिडीन होते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन जो होता है, ट्रांसवर्जन में नेचर चेंज होता है, जो बेस होते हैं प्यूरीन से पिरिमिडीन में कन्वर्ट होगा, पिरिमिडीन से प्यूरीन में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जिसमें एडिशन और डिलीशन, इसमें क्या हो सकता है, इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, कि अगर बेसिस जिस तरीके से ATGCTA, अब इसके बीच में जी और सी के बीच में कोई एक एडिशन ऐड कर दिया आपने, ये हो जाएगा ATGACTA, पूरा का पूरा इसके डाउन स्ट्रीम पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, फ्रेम जो होगा वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैम जब आप कनेक्ट करते हो तो वहां पे थंब इंप्रेशन आता है, किस लिए थंब इंप्रेशन आता है, साउंड को प्ले करने के लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए जब आप कनेक्ट करेंगे, रीकनेक्ट करिए वापस जाके, ठीक है, एक बार वापस जाइए फिर से रीकनेक्ट करिए तो थंब इंप्रेशन आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। नाउ आप देखने की कोशिश करिएगा कि ये आपका स्पॉन्टेनियस लेजन्स हो सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग विवेक एंड शैली, वेलकम टू द क्लास। सो ये थे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है, ये पूरे के पूरे फ्रेम को चेंज कर देगा, डाउन स्ट्रीम जितना भी होता है उस फ्रेम को चेंज कर देगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस लेजन्स की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस लेजन्स कैन बी ऑफ दीज टाइप्स, जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं। स्पॉन्टेनियस लेजन्स के बारे में बात करते हैं, डीएमिनेशन, डीप्यूरिनेशन, डीप्यूरिनेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। अमिनेशन की बात करते हैं, ADC, जैसे कि अगर एडिनिन का अगर डीएमिनेशन करते हैं तो हाइपोजेंथिन में बनता है, गुआनिन का डीएमिनेशन करते हैं तो जैंथिन बनता है, साइटोसिन का करते हैं तो यूरेसिल बनता है, 5-मिथाइल साइटोसिन का करते हैं तो थाइमीन बनता है। नाउ ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस लेजन है, डीएमिनेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके अलावा पिरिनेशन भी हो सकता है, पिरिमिडेशन भी हो सकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज भी हो सकता है। वेरी गुड इवनिंग प्रज्ञा एंड सुचंद, वेलकम टू द सेशन। नाउ
टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस में चार मेजर टाइप ऑफ म्यूटेशन होते हैं। इसके अलावा बहुत म्यूटेशंस होते हैं, जर्म लाइन, सोमैटिक, अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं। जो मेजर न्यू म्यूटेशंस होते हैं जिनका रोल प्ले होता है उसको देखने की कोशिश करिएगा। साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट का मतलब है नो चेंज इन प्रोटीन, सेम अमीनो एसिड आएगा। जो अमीनो एसिड एक्स वाई जेड पहले बन रहा था, एक्स वाई वाई होने के बाद सेम अमीनो एसिड आएगा। उसके बाद आता है सेकेंड वन, दैट इज द न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन की बात करते हैं, न्यूट्रल का है नेचर नॉट चेंज बट रिलेटेड अमीनो एसिड आएगा। अमीनो एसिड चेंज होगा लेकिन नेचर चेंज नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड से हिस्टिडीन बन रहा था तो एक्स वाई वाई से क्या बन जाएगा, आर्जिनीन। ये क्या है, नेचर दोनों का बेसिक है तो नेचर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। साइलेंट का मतलब कोई चेंज नहीं होना, न्यूट्रल का मतलब नेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस का मतलब नेचर कुछ और था, सेंस अब कुछ अलग हो गया, वो होता है डिफरेंट अमीनो एसिड। यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगा, पहले हिस्टिडीन था अब स्पार्टेट हो गया। हिस्टिडीन कैसा है, बेसिक है, स्पार्टेट कैसा है, एसिडिक हो गया। एंड उसके बाद आता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस का मतलब हो गया स्टॉप कोडॉन को आ जाना, प्रोसेस का स्टॉप हो जाना। पहले एक्स वाई जेड हिस्टिडीन बना रहा था, अब जेड वाई जेड जो हो गया वो स्टॉप कोडॉन को बना दिया। That is what, ये जो कोड हो गया, that is the nonsense mutation, silent, neutral, missense, nonsense. इसके अलावा synonymous, non-synonymous mutations, अलग अलग mutations कई सारे होते हैं, these are the major mutations. Now talking about the mutagens, mutagens के बारे में बात करते हैं, one complete slide for the mutagen, जिसमें सारे mutagens available हैं, ज्यादा कुछ भागने की जरूरत नहीं है. Mutagen can be physical or chemical. Physical mutagens में आते हैं आपके ionizing radiations. आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे आता है वहां पे, एक्सरे आता है जो कि क्या काम करता है, क्रोमोजोम को ब्रेक करता है, एक्सरे करता है क्रोमोजोम को ब्रेक। फिर आता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि यूवी रेज होता है, इसमें क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, डाइमर फॉर्मेशन होगा, डाइमर का फॉर्मेशन होता है यूवी रेज में। केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में देखेंगे बेस एनालॉग क्या है, बेस एनालॉग। बेस एनालॉग दो तरीके के होते हैं, 5-bromo-uracil दैट इज द एनालॉग ऑफ थाइमिडीन एंड 5-aminopurine दैट इज द एनालॉग एडेनिन। जब 5-bromo-uracil हो या अमीनोप्यूरिन हो, ये कौन सा ट्रांजिशन कॉज करते हैं, ATGC ट्रांजिशन। ATGC ट्रांजिशन एंड GCAT ट्रांजिशन इज डिफरेंट। ATGC ट्रांजिशन एंड GCAT ट्रांजिशन इज डिफरेंट। A से G में कन्वर्ट होना या G से A में कन्वर्ट होना, दोनों ट्रांजिशन अलग होते हैं। याद रखिएगा, अगर कहूं कि A से G में जो होता है, ए से जी में ट्रांजिशन होना या जी से सी में, जी से ए में ट्रांजिशन होना, दोनों ट्रांजिशन अलग है। ये होता है ATGC और ये होता है GCAT। ठीक है, सो ये दोनों ट्रांजिशन अलग होते हैं। सो GCAT ट्रांजिशन इज डिफरेंट, ATGC ट्रांजिशन इज डिफरेंट। जो सबसे कॉमन होता है वो होता है ATGC ट्रांजिशन। और इसके बाद बात करते हैं, नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा बेस मॉडिफायर्स। बेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स एंड मिसलेनियस। एल्काइलेटिंग एजेंट, डीएमिनेटिंग एजेंट एंड मिसलेनियस। बेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट जो होता है एमएमएस होगा, ईएमएस होगा। एंड एमएमएस जो होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमएमएस के बारे में इंपॉर्टेंट देखने की कोशिश करिएगा, एमएमएस में ये GCAT ट्रांजिशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, GCAT ट्रांजिशन कॉज करता है, और हाइड्रोक्सिल अमीन ऑल्सो कॉजेज द GCAT ट्रांजिशन। ये दो ऐसे होते हैं जो कि GCAT ट्रांजिशन करते हैं, बाकी सारे के सारे ATGC ट्रांजिशन करते हैं। बाकी जितने भी इंटरकलेक्टिंग जो होते हैं, जैसे कि ETBR, जैसे कि एक्रिडिन ऑरेंज, ये काम करते हैं आपके, ये काम करते हैं एडिशन और डिलीशन। ठीक है, एडिशन और डिलीशन। मिस्टर विवेक कुमार सिंह, बायोलॉजिकल म्यूटेंट का नाम बताइए, ऐसे बायोलॉजिकल म्यूटेंट का नाम बताइए जो कि म्यूटेशन कॉज करता है, ऐसे बायोलॉजिकल म्यूटाजन। Your dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.
हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल द एंड टेक केयर एंड बाय बाय।